अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीयू एक्सीलेंस के साथ एक बार फिर आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये मसला है कि एग्ज़ाम्स का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो है वो कुछ चेंजिंग्स वगैरह की गई हैं, और वाकई देखें इसका जो व्यू है वो टोटली अब चेंज कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के LMS का व्यू भी जो है वो चेंज किया गया है, तो यहाँ से आप लोगों के जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर हैं उसका व्यू भी जो है वो उन्होंने चेंज किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं, और आप लोग दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे भी जो है वो देख रहे हैं कि जो है वो क्या क्या चेंजिंग्स वगैरह आ रही हैं। जैसे लेट्स सी, देखें हमारे पास अगर ये यूट्यूब एक चैनल है तो इस पर अगर हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स आई हैं, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कि हमारे जो मतलब के चैनल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जी मोस्टली चैनल्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे जो मतलब के सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो चेंज हुआ है, या एग्ज़ाम्स में जो है वो क्या मतलब की तब्दीली आई है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को यही आज सब कुछ बताने लगा हूँ कि क्या हुआ है और क्या जो है वो नहीं हुआ, ताकि आप लोगों को जो है वो सारा इस बारे में जो है वो पता चले और आप लोगों को जो है वो दिखाया जाए। अच्छा जी, देखें ये आप लोगों के पास जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है इसका फ्रंट व्यू ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आगे अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, लेट्स सी। देखें यहाँ पे जो है वो आप लोगों के पास समरी आ रही है, और इस तरह का जो है वो आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, और देखें यहाँ पे जो है वो मतलब कि टोटली चेंज है। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो 1, 2, 3, 4 व्यू भी दिखाया गया, जो कि पहले आप लोगों को नहीं दिखाया जाता था, ठीक है। ये देखें अगर आप लोगों ने जो फिल किए हैं वो रेड हो गए हैं, जो आप लोगों ने फिल नहीं किए वो आप लोगों के पास जो फिल किए हैं वो ग्रीन है, जो आप लोगों ने फिल नहीं किए वो आप लोगों के पास रेड है। ऊपर जो है वो देखें टाइमिंग चल रही है कि लेट्स सी, इसकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की टाइमिंग जो है वो उन्होंने 2 नंबर के 4 मिनट कर दी है, और इसके अलावा जो आप लोगों के पास 5 मिनट थे उसकी जो है वो उन्होंने 10 मिनट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि देखें आप लोगों के पास जो है वो ये डिफरेंट किस्म के जो है वो व्यूज़ हैं, ताकि आप लोगों को इस बारे में पता चले। ये देखें लेट्स सी, अगर आप लोग कोई फिलअप कर रहे हैं तो वो वहाँ से येलो है। अब देखें 5 नंबर का 2 नंबर का जो है वो उसकी उन्होंने टाइमिंग क्या की है, ये जो 5 नंबर वाला है उसकी टाइमिंग जो है वो उन्होंने 10 मिनट कर दिया। मतलब कि हर आप लोगों के पास जो वो है, आप लोगों के पास हर आप लोगों के पास जो व्यू है उसके ऊपर आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो टाइम चल रहा होगा, और आप लोगों ने जो है वो देखना है। एग्ज़ाम्स का जो सॉफ्टवेयर है वो मोस्टली तौर पे जो है वो चेंज कर दिया गया है, तो इसमें जो है वो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने किन चीज़ों को देखना है और किन चीज़ों को नहीं देखना। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो एक और बात बताता चलूँ कि आप लोगों का जो पैटर्न है क्या वो भी चेंज किया गया है कि नहीं किया गया। पैटर्न में भी जो है वो उन्होंने थोड़ी बहुत कुछ तब्दीलियाँ की है, उसके मतलब उन्होंने ये बताया कि जी आप लोगों का जो 50% पेपर है वो आप लोगों का जो है वो MCQs बेस्ड होगा, और जो आप लोगों का 50% पेपर्स है वो आप लोगों का जो है वो सब्जेक्टिव जो है वो उसके ऊपर होगा, ठीक है। ये 50% जो है वो MCQs के ऊपर होगा, और 50% जो है ना वो सब्जेक्टिव के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप लोगों का ये देखें, आप लोगों के पास लेट्स सी, अगर आप लोगों के पास 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, अगर मैं देखूँ इनको, अगर आप लोग जो है वो 80 मार्क्स का पेपर होता है तो 40 मार्क्स जो है वो उसके MCQs होंगे, ठीक है, और 40 मार्क्स के जो है वो सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो इनमें पास जो है वो होगा जो कि मैक्सिमम नंबर को अटेन करेगा, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल जाए। अभी तो आप लोगों के पास सच मिड टर्म है ना, तो मिड टर्म में आप लोगों के पास जो है वो 80 मार्क्स का जो है वो पेपर नहीं होता। मिड टर्म में आप लोगों के पास जो है ना वो 30 से 40 के राउंड अबाउट होता है, ठीक है, या तो आप लोगों के पास जो है वो 35 होगा, या फिर 40 होगा, या फिर जितना भी होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी है, आप लोगों का एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर की टाइमिंग का भी आप लोगों को पता चल गया है। छोटे क्वेश्चन के जो हैं वो 2 नंबर होंगे, बड़े क्वेश्चन के जो हैं वो 10 मिनट होंगे, छोटे क्वेश्चन के जो हैं वो 4 मिनट होंगे, और MCQs के जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड्स होंगे, 90 सेकेंड्स होंगे, या जितने उन्होंने सेकेंड्स जो हैं वो डिफाइन किया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात की समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।